हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड द स्कूल ऑफ कंपी एजुकेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ पोएम विच इज़ स्ट्रॉबेरीज। यू कैन सी द इमेजेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज हैं इन योर पोएम। द पिंक कलर वाइन इज बीइंग देयर, यू कैन सी। सो लेट अस गो अहेड एंड रीड दिस पोएम। द स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन, बट स्वीटर फार एज़ वाइज मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। सो स्ट्रॉबेरीज जो हैं, जो कहाँ पे पाई जा रही हैं, कहाँ पे उग रही हैं, बगीचों में, वो कैसी हैं। प्लम्प मतलब गोल मटोल है, और जूसी मतलब रसदार, जूसी फाइन का मतलब रसदार है, बहुत रस से भरपूर हैं। तो जो स्ट्रॉबेरीज बगीचों में पाया जा रहा है और जो बगीचों में उग रही है, वो कैसी हैं, गोल मटोल हैं और रस से पूर्ण हैं। बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। सो वाइज मैन मतलब इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। वुडलैंड वाइन मतलब आप कह सकते हैं जंगली बेल, सॉरी वुडलैंड वाइन मतलब अंगूर की बेल। तो स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु। सो बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। जितना कि बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि जो हमारे स्ट्रॉबेरीज हैं वो किसकी तरह, उसे वो किसकी तरह से कहता है, जैसे बसंत ऋतु में अंगूर की बेल है, उसे लगता है कि स्ट्रॉबेरीज भी वैसे ही होती हैं, पर स्ट्रॉबेरीज उससे भी ज़्यादा मीठी होती हैं। No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. तो ना हमें कटोरी की ज़रूरत है, ना हमें चांदी की चम्मच की, ना चीनी, ना मसाले और ना ही कोई क्रीम। हम स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे ही खा सकते हैं और ऐसे ही वो स्वादिष्ट होती हैं। Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream? तो वाइल्ड बेरी, जंगली बेर हमेशा जून में ही निकाली जाती है। वो कहाँ पाई जाती हैं, नदी टाइप के किनारे उसको पाया जाता है, जहाँ से जैसे झरना टाइप का है वहाँ से निकल रही है, वहाँ पर से हम जंगली बेर को निकालते हैं। तो जहाँ से पानी बह रहा होता है, को स्ट्रीम एक तरीके की रिवर ही, रिवर नहीं कह सकते, हाँ जैसे पॉन्ड टाइप का क्रिएट किया है, या फिर अपने आप से ही वो एक पर्टिकुलर जगह पे बन गई हैं, उन्हें हम स्ट्रीम कहते हैं। तो ये सब वाइल्ड बेरी कहाँ पर पाई जाती है, जंगली बेर, जून के सीज़न में इनको निकाला जाता है, और एक स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मतलब धारा होती है, मतलब जहाँ से निकल रही हैं, पोरिंग मतलब कहीं से वो आ रही हैं। So thank you, class.